हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबी टेक्निकल हब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एबी टेक्निकल हब पर। जैसा कि आप सभी को मालूम है, एबी टेक्निकल हब पर आईटीआई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की हल्का सीरीज चल रहा है, जो कि न केवल आपको आईटीआई बल्कि सीआईटीएस, टीओ एंड डिफरेंट टाइप्स के टेक्निकल एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। हम लोगों ने अब तक की क्लास में फिटर ट्रेड के 2018 के फोर्थ सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर व सेकेंड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया है। जिन लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज उस वीडियो को देखिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आज हम लोग फिटर ट्रेड के 2018 के सेमेस्टर वन को पेपर को डिस्कशन करेंगे, जिसमें टोटल 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं, जो कि पार्ट वन वीडियो रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे, इसमें पूछा गया है एन एक्सीडेंट इज, दुर्घटना एक क्या है। ऑप्शन इसमें दिया गया है अनप्लैनड इवेंट, अनियोजित घटना, ऑप्शन बी दिया गया इसमें नॉन कंट्रोल्ड इवेंट, गैर नियंत्रित घटना, ऑप्शन सी दिया गया इसमें अनडिजायरेबल इवेंट, अवांछनीय घटना, या ऑप्शन डी गया है ऑल ऑफ दीज, उपरोक्त सभी। तो सबसे पहले आइए हम लोग जानते हैं एक्सीडेंट क्या होता है, एक्सीडेंट किस कारणों से हो सकता है, वह इसके कितने टाइप्स होते हैं। तो एक्सीडेंट क्या होता है कि या जो घटना होती है वो कहीं भी किसी भी समय या किसी भी व्यक्ति के साथ ना चाहते हुए जो घटना घट जाती है उसे एक्सीडेंट के रूप में जाना जाता है। इसमें ऑप्शन दिया गया है अनप्लैनड इवेंट, जिसका पहले से कोई पालन न किया गया हो, या और इसमें सेकंड ऑप्शन दिया गया है नॉन कंट्रोल्ड इवेंट, जिसको कंट्रोल ना किया जा सके, वो काफी ज्यादा भयंकर हो सकता है। ऑप्शन सी इसमें दिया गया है अनडिजायरेबल इवेंट, अवांछनीय घटना जिसकी कभी इच्छा ना की गई हो। तो घटना जो होती है वो काफी ज्यादा कारणों से हो सकती है, जैसे अज्ञानता, इग्नोरेंस, यदि अज्ञानता कोई व्यक्ति उसके बारे में नहीं जानता, वो भी मशीन चालू कर दिया है, तो वो एक्सीडेंट का एक कारण बन सकता है। उसके बाद उत्सुकता होती है, उत्सुकता भी काफी ज्यादा उत्सुक होने से उसमें एक्सीडेंट हो जाते हैं, ना जानते हुए भी उसकी यदि उस पर वर्क करने लगते हैं तो एक एक्सीडेंट का कारण बन सकता है। ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस के कारण भी काफी ज्यादा एक्सीडेंट हो जाते हैं। इसमें रुचि की कमी भी आती है, एक्सीडेंट का एक कारण बन सकती है। यदि आप काम कर रहे हैं उसे मन से नहीं कर रहे हैं, उसमें काफी ज्यादा रुचि नहीं ले रहे हैं, तो एक एक्सीडेंट का कारण बन सकता है, उसे बोझ समझ के काम किया जा रहा है। तो इसमें अगला होता है डिसिप्लिन, अनुशासनहीनता। यदि आप कोई भी कार्य कर रहे हैं उसमें डिसिप्लिन नहीं है तो भी एक एक्सीडेंट का काफी ज्यादा कारण बन सकती है। ओवरटाइम भी इसका एक मुख्य कारण होता है, जिसमें आप काफी ज्यादा काम कर रहे हैं, आपको थकान हो जाती है। एक श्रमिक को लिए कम से कम 8 घंटे वर्क करना चाहिए, हैवी वर्क, उसके बाद उसे अच्छी नींद लेनी चाहिए। आप काफी ज्यादा ओवरटाइम काम कर रहे हैं तो अब एक एक्सीडेंट का कारण बन सकती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें ऑल ऑफ दीज होगा, डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है द बेस्ट वे ऑफ अवॉइडिंग एक्सीडेंट इज बाई, क्वेश्चन में पूछा गया है दुर्घटना से बचने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। ऑप्शन इसमें दिया गया है, ऑप्शन ए डूइंग वर्क इन एंशिएंट वे, प्राचीन तरीके से काम करना, ऑप्शन बी इसमें दिया गया है Doing work in ons on way, अपने तरीके से काम करना, ऑप्शन सी इसमें दिया गया है Observing safety rules related to job, machine and workplace, जॉब तथा मशीन और कार्यस्थल से संबंधित जो सुरक्षा नियम होते हैं उनका अवलोकन करके कार्य किया जाए। ऑप्शन इसमें डी दिया गया है Not using safety equipment, सुरक्षा उपकरणों का उपयोग ना करके। तो इसमें जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा, इसमें रहेगा जॉब मशीन और कार्यस्थल से संबंधित जो सुरक्षा नियम होते हैं यदि आप उसका पालन कर करके करते हैं काम, तो काफी ज्यादा एक्सीडेंट को हटाया जा सकता है। तो इसलिए इसमें जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी होगा, ऑब्जर्विंग सेफ्टी रूल्स रिलेटेड टू जॉब, मशीन एंड वर्कपीस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है एन ऑयली फ्लोर शुड बी क्लीनड बाय, क्वेश्चन में पूछा गया है एक तेलीय फर्श को किसके द्वारा साफ किया जाना चाहिए। ऑप्शन इसमें दिया गया है, ऑप्शन ए कॉटन बेस्ड,
ऑप्शन सी पुटिंग सा डस्ट, ऑप्शन बी पुटिंग वाटर, ऑप्शन डी स्प्रेइंग कार्बन डाइऑक्साइड। तो किसी भी सरफेस है जिसपे तेल लग गया है या तेल काफी ज्यादा उस पर फैला हुआ है, तो उसको क्लीन करने के लिए हम लोग अधिकतर कॉटन बेस्ड का उपयोग करते हैं। तो इसलिए इसमें इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ए होगा, कॉटन बेस्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है फायर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ, आग एक प्रकार का संयोजन है। ऑप्शन इसमें दिया गया है फ्यूल, लाइट एंड ऑक्सीजन। ऑप्शन बी दिया गया है फ्यूल, हीट एंड ऑक्सीजन। ऑप्शन सी इसमें दिया गया है फ्यूल, हीट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन डी इसमें दिया गया है फ्यूल, लाइट एंड नाइट्रोजन। तो आग क्या होती है, आग का कॉम्बिनेशन क्या होता है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें बी होगा, फ्यूल हीट एंड ऑक्सीजन। उसमें आग में यदि फ्यूल है, हीट है और ऑक्सीजन है तो एक आग कहलाती है। इसे फायर ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है। आइए इसको एक फिगर के माध्यम से हम लोग समझते हैं फायर ट्रायंगल किस टाइप्स के होते हैं, कैसे होते हैं, मतलब इसका जो मेन स्ट्रक्चर होता है कैसे बनाया जाता है। आपकी स्क्रीन पे जो फिगर दिखाया गया है इसे फायर ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। आप यहाँ पे देख पा रहे हो एक ट्रायंगल बनाया गया है जिसमें दिखाया गया है फ्यूल, हीट, ऑक्सीजन। इसे फायर के नाम से आइडेंटिफाई किया जाता है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे मेथड ऑफ एग्यूजमेंट दिखाया गया है, जो कि कूलिंग है, स्मोथरिंग है, स्टारवेशन है। इसमें क्या होता है कि जब आप हीट को हटा देते हैं, कोई भी आग है उसमें यदि हीट को हटा दिया जाता है तो उसे कूलिंग प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। यदि ऑक्सीजन हट गई है तो स्मूथरिंग के नाम से जानते हैं, और यदि उसमें फ्यूल की मात्रा हटा दी गई है तो उसे स्टारवेशन के नाम से जाना जाता है। तो आइए ऑप्शन की ओर हम लोग चलते हैं। ऑप्शन में दिया गया था फ्यूल, हीट एंड ऑक्सीजन, तो इसलिए इसमें इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा बी होगा, फ्यूल, हीट एंड ऑक्सीजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल यूनिट्स। क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन एक फंडामेंटल इकाई नहीं है। इसमें ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए प्रेशर, ऑप्शन बी लेंथ, ऑप्शन सी मास, ऑप्शन डी टाइम। तो इसमें इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ए होगा, प्रेशर। प्रेशर जो है फंडामेंटल यूनिट नहीं होती, ये डिराइव्ड यूनिट होती है जो कि व्युत्पन्न राशि होती है। व्युत्पन्न राशि वही राशियां होती हैं जो फंडामेंटल से उत्पन्न होती है। उसमें दो या दो से अधिक जो फंडामेंटल यूनिट्स यूज की जाती हैं उसे डिराइव्ड यूनिट व्युत्पन्न राशियों के नाम से जाना जाता है। तो इसमें जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ये होगा, प्रेशर। प्रेशर के जो हम लोग नापते हैं वो पास्कल यूनिट होती है। लेंथ की बात की जाए तो लेंथ को जो है मीटर में नापा जाता है। मास की जो यूनिट होती है उसे केजी में इंडिकेट किया जाता है। और इसमें ऑप्शन डी दिया गया है, टाइम। टाइम को हम लोग सेकंड में मेजर करते हैं, तो इसका जो यूनिट होगा उसे सेकंड बोला जाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ए होगा, प्रेशर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है लेथ लीड स्क्रू इज मेड ऑफ। ऑप्शन इसमें दिया गया है ए हाई कार्बन स्टील, ऑप्शन बी दिया गया है कास्ट आयरन, ऑप्शन सी दिया गया है माइल्ड स्टील, ऑप्शन डी इसमें दिया गया है निकिल। तो जो लेथ का लीड स्क्रू होता है वो किसका बना होता है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो लेथ क्या होती है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे लेथ मशीन। लेथ मशीन एक ऐसी मशीन होती है जो सारी मशीनों की जननी होती है, जिसके द्वारा हम लोग लगभग सारी मशीनिंग ऑपरेशन कर सकते हैं। उसमें लीड स्क्रू का मोस्टली हम लोग यूज जब करते हैं, जब ऑटोमेटिक थ्रेड काटते हैं उसमें फीड दिया जाता है, थ्रेड काटने में फीड देने में उसका प्रयोग किया जाता है। तो जो लीड स्क्रू होती है उसको हम लोग हाई कार्बन स्टील, स्टील मेटल का बनाते हैं। तो इसमें इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ए होगा, हाई कार्बन स्टील। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट ऑफ लेंथ। क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में से लंबाई की इकाई कौन सी है। ऑप्शन इसमें दिया गया है ए लूनर मंथ, ऑप्शन बी केल्विन, ऑप्शन सी कैंडेला, ऑप्शन डी मीटर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, इसमें लेंथ की जो यूनिट होती है उसे मीटर के नाम से हम लोग जानते हैं, तो इसके इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा डी होगा, मीटर। इसमें ऑप्शन ये दिया गया है लूनर मंथ, जो कि चंद्र मास के नाम से जाना जाता है।
तो इसके बारे में थोड़ा हम लोग जानेंगे क्या होता है। लूनर मंथ का श्रेय जो है कि चंद्र कैलेंडर को जाता है, इसमें जो चंद्र कैलेंडर होता है उसके नाम से उसमें लूनर मंथ का उपयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है, जो चंद्र कैलेंडर होता है उसमें चंद्र कैलेंडर में एक चंद्र माह के दो कर्मिक सहजीवन के बीच की जो समय होती है उसे लूनर मंथ के नाम से जाना जाता है। केल्विन का उपयोग हम लोग टेम्परेचर की माप के लिए करते हैं जो कि एक फंडामेंटल इकाई है, और इसमें सी ऑप्शन दिया गया है कैंडला। कैंडला का प्रयोग हम लोग लुमिनस इंटेंसिटी जो कि प्रकाश तीव्रता की यूनिट है उसको मापने में प्रयोग किया जाता है। तो इसका 7 का जो करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है इसमें डी मीटर, लेंथ की जो यूनिट होती है वो मीटर होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है द मेन स्केल इज ऑन व्हिच पार्ट ऑफ वर्नियर हाइट गेज। क्वेश्चन में पूछा गया है वर्नियर हाइट गेज में मेन स्केल किस पार्ट पर बना होता है। ऑप्शन इसमें दिया गया है, ऑप्शन ए मूवेबल, ऑप्शन बी मेस, ऑप्शन सी वर्नियर स्केल, ऑप्शन डी बीम। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं वर्नियर हाइट गेज के बारे में, कैसा होता है, इस किस मेटल का बनाया जाता है, उसका फंक्शन कैसा होता है एक फिगर के माध्यम से। आपकी स्क्रीन पे जो फिगर दिख रहा है इसे वर्नियर हाइट गेज के नाम से जाना जाता है। इसका मोस्टली हम लोग परिशुद्धता में जॉब की मार्किंग व मेजरिंग करने में उपयोग करते हैं, उसके साथ साथ इसके गोल जॉब जो होते हैं उसका सेंटर निकालने में उपयोग किया जाता है। इसका जो प्रिंसिपल होता है सिद्धांत वो वर्नियर हाइट गेज जो है वर्नियर कैलिपर की भांति ही कार्य करता है। इसकी जो माप होती है वो दो स्केलों के अंतर के आधार पर कार्य करता है। इसमें एक मेन स्केल होती है, एक वर्नियर स्केल होती है, इन दो स्केलों के अंतर पे यह कार्य करता है। इसमें जो पार्ट्स होते हैं इसमें दिखाया गया है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे फाइन एडजस्टिंग फॉर मेन स्केल के लिए लगाई गई। इसमें जीरो जब सेटिंग किया जाता है जॉब पे मार्किंग मेजरिंग करने के लिए, तो यहाँ पे सबसे पहले जीरो सेटिंग की जाती है, उसके लिए यहाँ फाइन एडजस्टिंग दिया गया है, आप जीरो सेटिंग आसानी से यहाँ से कर सकते हैं। आप यहाँ पे सेकंड पार्ट दिखाया गया है, इसमें बीम, ये जो एक लंबी इसमें छड़ दिखाई गई है इसे बीम के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे इसे कॉलम दिखाया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मेन स्केल दी गई है, ये जो इस पे रीडिंग दी जाती है बीम पे उसे मेन स्केल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे स्लाइडर लगा है जिसके माध्यम से स्लाइड किया जाता है, क्लैंप लगा है, फाइन एडजस्टिंग डिवाइस लगा है जिसमें फाइन एडजस्ट किया जाता है जब मार्किंग के लिए मेजर इसमें किया जाता है तब। यहाँ पे लॉकिंग डिवाइस दी गई है, इसे लॉक किया जाता है। वर्नियर स्केल यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो कि मूवेबल जो होता है उस पर वर्नियर स्केल बनाई गई है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो इसमें स्क्राइबर लगा है वो ऑफसेट स्क्राइबर इसमें यूज करते हैं हम लोग मोस्टली, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये बेस है इसका। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया था जो मेन स्केल है वो किस भाग पे बनाया गया है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इसका जो बीम है ना, बीम पे ही यहाँ पे मेन स्केल बनाई जाती है। तो आइए ऑप्शन की ओर हम लोग चलते हैं। ऑप्शन में दिया गया था मूवेबल जॉ, बेस, वर्नियर स्केल या डी बीम। तो इसका जो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन इसमें डी निकल के आएगा, बीम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इन मेट्रिक थ्रेड। क्वेश्चन में पूछा गया है मेट्रिक प्रणाली में वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कितना होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे वर्नियर कैलिपर क्या होता है व इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है। वर्नियर कैलिपर एक सूक्ष्म मापी यंत्र होता है जिसका प्रयोग हम लोग बाहरी भीतरी व गहराई माप में करते हैं। इसका जो आविष्कार है पैरी वर्नियर नामक वैज्ञानिक ने किया था जो कि फ्रांस के रहने वाले थे 1630 ईस्वी में। इसके द्वारा हम मेट्रिक प्रणाली में 0.02 mm से तथा ब्रिटिश प्रणाली में 0.001 इंच तक की परिशुद्धता में जॉब की माप करते हैं। तो इसमें जो मेट्रिक सिस्टम में होगा 0.02 mm होगा, तो इसमें इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा सी होगा 0.02 mm। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है व्हिच अमंग द बिलो इज नॉट ए टाइप ऑफ बिल्डिंग। क्वेश्चन में पूछा गया है इनमें से कौन सी बिल्डिंग का प्रकार नहीं है। ऑप्शन इसमें दिया गया है ए फ्यूजन, जो कि एक प्रकार का बिल्डिंग टाइप होता है। ऑप्शन इसमें दिया गया है नॉन फ्यूजन, जो भी एक प्रकार का बिल्डिंग होता है जो कि फोर्जिंग के अंतर्गत आता है। ऑप्शन इसमें सी दिया गया है प्रेशर, प्रेशर भी फोर्जिंग के अंतर्गत आता है। ऑप्शन इसमें डी दिया गया है नॉन प्रेशर।
तो जो वेल्डिंग होता है वो नॉन प्रेशर इसमें नहीं होता, तो इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन इसमें होगा डी होगा, नॉन प्रेशर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल यूज टू रिमूव द ड्रिल चक फ्रॉम द स्पिंडल ऑफ द ड्रिल। क्वेश्चन में पूछा गया है उस टूल का क्या नाम है जिसका प्रयोग ड्रिल स्पिंडल से ड्रिल चक को हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन इसमें दिया गया है चक्की, ऑप्शन बी दिया गया है चीजल, ऑप्शन सी दिया गया है ड्रिप पिन, ऑप्शन डी दिया गया है सॉ। तो इसका इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा सी होगा, ड्रिफ्ट पिन। ड्रिफ्ट पिन का हम लोग जो ड्रिफ्ट पिन होता है इसे ड्रिफ्ट ड्रिल के नाम से जाना जाता है, उसका प्रयोग जो है स्पिंडल से ड्रिल चक को हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। आइए इसको एक फिगर के माध्यम से हम लोग समझते हैं कैसा होता है जो ड्रिफ्ट पिन होता है। आपकी स्क्रीन पे जो फिगर दिखाया गया है इसमें ड्रिल चक के स्पिंडल को दिखाया गया, उसमें आप देख पा रहे होंगे ये जो है ये इसे ड्रिफ्ट ड्रिल के नाम से ड्रिफ्ट पिन के नाम से जाना जाता है। इसके माध्यम से हम लोग ड्रिल चक को इसमें से हटाते हैं, यहाँ पे आप लगा देंगे इसका जो टेपर वाला भाग होता है उस पोर्शन को नीचे रख के यहाँ पे थोड़ा फोर्स दिया जाता है हैमरिंग के माध्यम से, इसको थोड़ा ऊपर पुश किया जाता है, उसके बाद आसानी से इसमें जो ड्रिल चक होता है वो निकल जाता है। तो इसका आइए ऑप्शन की हम लोग चलते हैं, ऑप्शन भी यहाँ दिया गया था सी ड्रिफ्ट पिन, तो इसलिए इसमें जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी होगा ड्रिफ्ट पिन। इसमें ऑप्शन ये दिया गया है चक्की, चक्की का प्रयोग हम लोग जब करते हैं जब ड्रिल चक जो होता है उसमें जो स्ट्रेट सैंग की ड्रिल आती है उनको होल्ड करना होता है, तो वहां पे चक्की का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन इसमें भी दिया गया है चीजल, चीजल का प्रयोग हम लोग चिपिंग ऑपरेशन में करते हैं जब सरफेस पे से थोड़ी ज्यादा मात्रा में से मेटल को हटाना होता है वहां पे यूज किया जाता है। ऑप्शन डी इसमें दिया गया है सा, सा का प्रयोग हम लोग ये मोस्टली टू टाइप्स की होती हैं जो कि टेनन्स आती हैं जो कि लकड़ी वगैरह काटने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, और हेक्सा आती है जो कि हम लोग मोस्टली मेटल को काटने में यूज करते हैं, तो सा का प्रयोग वहां पे करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है इन ये ड्रिल द एच एच मीन्स, क्वेश्चन में पूछा गया है ड्रिल में एच एच का मतलब क्या है, जो एच एस एस दिया गया है उसका मतलब क्या है। ऑप्शन इसमें दिया गया है टूल टाइप्स, ऑप्शन सी दिया गया है डायमीटर, ऑप्शन बी दिया गया है मटेरियल, ऑप्शन डी दिया गया है आईएस नंबर जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड नंबर होता है वो। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन इसमें होगा बी होगा मटेरियल, क्योंकि जो इसमें एचएस दिया जाता है वो हाई स्पीड स्टील जो कि ड्रिल होता है उसमें उसको आइडेंटिफाई करता है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा बी होगा मटेरियल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया है ए नॉन फेरस मेटल व्हिच हैज प्रॉपर्टी ऑफ ब्रिटलनेस दैट इज, क्वेश्चन में पूछा गया है इनमें से एक अलोह धातु है जिसमें भंगुरता का गुण पाया जाता है। ऑप्शन इसमें दिया गया है ए जिंक, ऑप्शन बी दिया गया है लेड, ऑप्शन सी दिया गया है टिन, ऑप्शन डी दिया गया है कॉपर। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं ब्रिटलनेस क्या होती है, ब्रिटलनेस किस किस मेटल में पाई जाती है। तो इसमें क्या होता है धातु का वह गुण होता है जिसमें धातु पर यदि हम लोग प्रहार कर दें तो काफी ज्यादा टुकड़ों में या दो से अधिक टुकड़ों में वो विभक्त हो जाता है, तो जब उस जॉब में या मेटल में ये प्रक्रिया होती है तो उसे ब्रिटलनेस के गुण के नाम से जाना जाता है, उसमें जाना जाता है कि ब्रिटलनेस का गुण काफी ज्यादा पाया जाता है। यह सबसे ज्यादा होता है कास्ट आयरन, लेड तथा जो गंधक होते हैं उसमें काफी ज्यादा ब्रिटलनेस होता है। तो जो नॉन फेरस मेटल होगा इसमें बी होगा लेड, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें बी लेड, लेड में काफी ज्यादा ब्रिटलनेस होती है नॉन फेरस मेटल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है रेजिस्टेंस डेवलप्ड बाय सरफेस ऑफ एनी मटेरियल इज नॉन एज, क्वेश्चन में पूछा गया है किसी भी सामग्री की सतह द्वारा विकसित प्रतिरोध के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन इसमें दिया गया है ए स्ट्रेंथ, ऑप्शन बी दिया गया है हार्डनेस, ऑप्शन सी दिया गया है स्टिफनेस, ऑप्शन डी दिया गया है क्रीप। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन इसमें होगा ऑप्शन बी होगा हार्डनेस, जो कि रेजिस्टेंस का उस पर जो प्रतिरोध होता है सरफेस पे वो डेवलप करता है हार्डनेस के माध्यम से। हार्डनेस क्या होता है कि धातु का वह गुण होता है इसमें जिसके कारण धातु एक दूसरे सतह को खरोचने का विरोध करती है, उस पर जो प्रतिरोध होता है रेजिस्टेंस उसे डेवलप करती है,
तो सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें बी होगा हार्डनेस। स्ट्रेंथ क्या होती है? स्ट्रेंथ होती है आकृति एवं अवस्था में जब इसमें परिवर्तन किए बिना ही या बाहरी झटकों तथा फोर्स जो इस पे अप्लाई होता है उसे आसानी से सहन कर सकती है, वो स्ट्रेंथ होती है। स्टिफनेस भी हार्डनेस को दर्शाता है। और डी इसमें दिया गया है ऑप्शन सी क्रीप, डी। तो क्रीप क्या होता है कि वह समय और तापमान पर निर्भर करता है, ऐसी घटना होती है जो कि समय बीतते बीतते उसमें काफी ज्यादा एनवायरनमेंट के परिवर्तन के कारण उसमें जो फ्रैक्चर पॉइंट आते हैं उसे क्रीप के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द बॉडी ऑफ एरोप्लेन इज मेड ऑफ एल्युमिनियम बिकॉज टू इट्स। क्वेश्चन में पूछा गया है एरोप्लेन की बॉडी को एल्युमिनियम का बनाया जाता है क्योंकि, ऑप्शन इसमें दिया गया है ए कलर, ऑप्शन बी मेल्टिंग पॉइंट, ऑप्शन सी पॉइंट, ऑप्शन डी वेट। तो एरोप्लेन को मोस्टली एल्युमिनियम का बनाया जाता है क्योंकि एल्युमिनियम काफी ज्यादा हल्का होता है, उसे वायु में उड़ाना होता है इसलिए उसको एल्युमिनियम का बनाया जाता है हल्केपन के कारण। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें डी होगा वेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर माइक्रोमीटर इज टू बी रीड। क्वेश्चन में पूछा गया है जो वर्नियर माइक्रोमीटर होता है उसके द्वारा कम से कम कितनी एक्यूरेसी में जॉब को मापा जा सकता है। ऑप्शन इसमें दिया गया है 0.02 mm, ऑप्शन बी दिया गया है 0.01 mm, ऑप्शन सी दिया गया है 0.1 mm, ऑप्शन डी दिया गया है 0.001 mm। तो सबसे पहले आइए हम लोग जानते हैं वर्नियर माइक्रोमीटर क्या होता है, उसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, वह इसका यूज कहाँ करते हैं, कितनी एक्यूरेसी में इसके द्वारा हम लोग रीडिंग ले सकते हैं एक फिगर के माध्यम से। आपकी स्क्रीन पे जो फिगर दिख रहा है इसे वर्नियर माइक्रोमीटर के नाम से जाना जाता है। इसका प्रयोग एक सूक्ष्म मापन में किया जाता है, एक सूक्ष्म मापी यंत्र होता है जिसके द्वारा किसी जाप को यदि मेट्रिक पद्धति में नापना है तो 0.001 mm तथा ब्रिटिश प्रणाली में यदि नापना है तो 0.001 inch की एक्यूरेसी में इसे जॉब को मेजर किया जाता है। इसका जो आविष्कार है वो जीन पालमर ने 1839 ईस्वी में किया था। इसके जो पार्ट्स की बात करें तो आपको जो सी या यू आकार का शेप का दिख रहा है इसे थ्रेन के नाम से जाना जाता है, यहाँ जो कि कास्ट आयरन या फिर कास्ट स्टील की बनाई जाती है। यहाँ पे देख रहे होंगे आप एनविल दिया गया है जो कि निकिल क्रोमियम स्टील की बनाई जाती है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे स्पिंडल है, स्पिंडल भी निकिल क्रोमियम स्टील का बनाया जाता है। यहाँ पे इसकी जो फेसेस होती हैं स्पिंडल और एनविल की, इस पे कार्बाइड ट्यूब की ब्रेजिंग की जाती है। यदि ब्रेजिंग इसलिए की जाती है काफी ज्यादा इसका प्रयोग करने से यदि घिस जाए तो इसकी जो एक्यूरेसी है वो समाप्त ना हो, वो घिसते नहीं है कार्बाइड ट्यूब, इसलिए यहाँ पे उसका यूज करते हैं। यहाँ पे लॉकिंग डिवाइस दी गई है जिसके द्वारा रीडिंग जॉब में लिया जाता है, उसके बाद इसके माध्यम से रीडिंग को लॉक कर दिया जाता है ताकि जो रीडिंग लेने में आसानी रहे। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये जो पार्ट है इसका, इसे स्लीव या बैरल के नाम से जाना जाता है। आप ये जो पार्ट देख रहे हैं इसे थिम्बल के नाम से जाना जाता है। ये जो पीछे का भाग है उसे रैचेट स्टॉप के नाम से जाना जाता है। इसका प्रयोग जॉब की रीडिंग लेते समय सम दाब सुनिश्चित करने में उपयोग किया जाता है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो सिंपल माइक्रोमीटर होता है और वर्नियर माइक्रोमीटर में डिफरेंट क्या होता है, जो थिम्बल पे यहाँ पे ग्रेजुएशंस बने होते हैं उसकी रीडिंग लेके इस पे जो बैरल होता है, बैरल पे एक और 10 लाइन की जो रीडिंग बना दी जाती है उसी के डिफरेंट पे इसे वर्नियर माइक्रोमीटर के नाम से जाना जाता है। तो इसमें ज्यादा कुछ खास नहीं है, आइए हम लोग ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन में इस पे दिया गया था 0.02 mm, ऑप्शन बी दिया गया था 0.01 mm, ऑप्शन सी दिया गया था 0.1 mm, ऑप्शन डी दिया गया था 0.001 mm। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन इसमें होगा डी होगा 0.001 mm। यदि इसमें इंच में बात किया जाए तो इसका ऑप्शन हो जाएगा इसमें 0.0001 inch। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है टैप्स कट ओनली ऑफ थ्रेड। क्वेश्चन में पूछा गया है जो टैप होता है वो किस प्रकार के थ्रेड को काटता है। ऑप्शन इसमें दिया गया है ए एक्सटर्नल, ऑप्शन बी ओनली वन एंड,
ऑप्शन सी बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल, ऑप्शन डी इंटरनल। तो टैप क्या होता है उसके बारे में सबसे पहले हम लोग जानेंगे, टैप क्या होता है उसके प्रकार, किस टाइप्स के जो थ्रेड काटता है वो किस टाइप्स का होता है। आइए एक फिगर के माध्यम से, आपकी स्क्रीन पे जो फिगर दिख रहा है इसे टैप के नाम से जाना जाता है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे एक सेट का तीन टैप दिखाया गया है। टैप एक प्रकार का आंतरिक चूड़ी काटने वाला कटिंग टूल होता है जिसके द्वारा हम लोग हाथ व मशीन दोनों प्रकार से प्रयोग करके टैपिंग ऑपरेशन करते हैं, जो कि हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील से बनाई जाती है, जो कि मेटल पे सबसे ज्यादा डिपेंड करता है कि किस मेटल की हमें टैपिंग करनी है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसका मेटल का चूज करते हैं। इसकी जो बॉडी पे चूड़ियां बनी होती है आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इस पे जो चूड़ियां बनी होती है उसके इसमें बने होते हैं जो ग्रूव्स, उसे फ्लूट्स के नाम से जाना जाता है, जिसके माध्यम से आसानी से इसमें जो थ्रेडिंग जब हम लोग टैपिंग ऑपरेशन करते हैं तो जो जो चिप्स होते हैं वो आसानी से इसके माध्यम से बाहर निकल जाते हैं, वह जो कूलेंट होता है और लुब्रिकेंट वो आसानी से इसकी कटिंग एज तक पहुंच जाता है। इसके द्वारा किए गए ऑपरेशन को हम लोग टैपिंग के नाम से जाना जाता है। एक सिंपल टैप जो होता है हैंड टैप, उसमें तीन टैप प्रयोग किए जाते हैं जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे दिया गया है, टेपर टैप, इंटरमीडिएट टैप, प्लग टैप। प्लग टैप को एक और नाम से भी जाना जाता है जिसे इंटरमीडिएट टैप के कहा जाता है। इसका प्रयोग हम लोग ब्लाइंड होल के जो टैपिंग होता है वहां पे यूज करते हैं। टेपर टैप की खास बात क्या होती है कि इसका जो लीड होता है वो 4 डिग्री पे टेपर रखा जाता है, जो इंटरमीडिएट टैप होता है उसका 10 डिग्री पे टेपर रखा जाता है, और जो प्लग टैप होता है उसका 20 डिग्री पे रखा जाता है। आइए ऑप्शन की ओर हम लोग चलते हैं। ऑप्शन में दिया गया था इसमें एक्सटर्नल ओनली वन एंड, ऑप्शन सी बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल, ऑप्शन डी इंटरनल। तो इसका इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा डी होगा, इंटरनल टैप के द्वारा इंटरनल थ्रेड काटी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल अगेंस्ट एनी एक्सटर्नल फोर्स इज नोन एज। इस क्वेश्चन में पूछा गया है मेटल अगेंस्ट के जो प्रतिरोध को किसी भी बाहरी बल के रूप में जाना जाता है। तो इसमें इसका ऑप्शन दिया गया है स्टिफनेस, ऑप्शन बी मैलियबिलिटी, ऑप्शन सी स्ट्रेंथ, ऑप्शन डी हार्डनेस। तो इसमें इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा सी होगा, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या होती है कि या मेटल की वह प्रॉपर्टी होती है जिसमें यदि उस पर बाहरी फोर्स या दबाव दिया जा रहा है तो उसकी जो आकृति है वह अवस्था है उसमें बिना परिवर्तन किए वो बाहरी बलों को आसानी से सहन कर लेती है। जो प्रतिरोध उस पर रेजिस्टेंस उत्पन्न होता है उसे आसानी से वो सहन कर लेती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, इसमें स्ट्रेंथ। हार्डनेस क्या होती है? हार्डनेस मेटल का वह गुण होता है जो किसी भी धातु के एक दूसरे को काटने या खरोचने का विरोध करती है, उस मेटल में हार्डनेस का गुण पाया जाता है। स्टिफनेस भी हार्डनेस को दर्शाता है। मैलियबिलिटी होती है जो काफी ज्यादा मैलेबल होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है परमानेंट डिफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ड्यू टू कॉन्स्टेंट लोड एंड वेरिएबल टेम्परेचर इज नोन एज। क्वेश्चन में पूछा गया है जो अस्थाई भार होता है और परिवर्तन भार तापमान के कारण जो समय के साथ मटेरियल में अस्थाई विकृति आती है उसको किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन इसमें दिया गया है इलास्टिसिटी, ऑप्शन बी आइसोट्रोप, ऑप्शन सी हार्डनेस, ऑप्शन डी क्रीप। तो इसमें समय के साथ साथ जो टेम्परेचर के कारण उसमें जो मेटल होता है उसमें जो इसका स्ट्रक्चर होता है फ्रैक्चर उसमें एक पॉइंट आ जाता है उसको क्रीप के नाम से जाना जाता है। तो सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा डी होगा, इसमें क्या होता है क्रीप हुआ होता है जो कि समय और तापमान पर निर्भर एक घटना होती है जिसमें समय बीतने और अन्य परिवर्तन जो पर्यावरणीय स्थिति होती है उसके साथ साथ मटेरियल में जो फ्रैक्चर उसमें पॉइंट आता है उसे क्रीप के नाम से जाना जाता है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन डी होगा क्रीप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है इन नॉर्मलाइजिंग कूलिंग इज डन इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मीडिया। क्वेश्चन में पूछा गया है नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस में कूलिंग के लिए जाप को किस माध्यम में रखा जाता है।
ऑप्शन इसमें दिया गया है ए ईयर, ऑप्शन बी वाटर, ऑप्शन सी ऑयल, ऑप्शन डी फर्नेस। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस क्या होती है उसके बारे में। क्या होता है नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस में, जब किसी भी धातु को हथौड़े से पीटा जाता है या उस पर कोई ऑपरेशन फोर्जिंग ऑपरेशन वगैरह किए जाते हैं, तो उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है उसमें काफी ज्यादा स्ट्रेस और विकृति आ जाती है। उस विकृति को यदि उस अवस्था में हम उसे प्रयोग में लाया जाए तो काफी ज्यादा भंगुर होने के कारण और उसमें जो इंटरनल स्ट्रक्चर होते हैं उसकी विकृति आ जाती है, तो उतना यूजेबल नहीं होता है। यदि उसका यूज करते हैं तो काफी ज्यादा उसमें जब लोड डाला जाता है तो टूटने के चांसेस बने रहते हैं, वो टूट जाते हैं, इसलिए उसका प्रयोग नहीं करते। इसलिए उसमें नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस की जाती है। इसमें क्या होता है कि मेटल को क्रिटिकल टेम्परेचर से 30 से 40 डिग्री अपर तक हीट किया जाता है, उसके बाद उसे ईयर में छोड़ दिया जाता है धीरे धीरे ठंडा होने के लिए। तो नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस हो जाती है, उसके बाद उसे आसानी से हम लोग यूज में ला सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। तो सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन इसमें ए आएगा, ईयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, माइल्ड स्टील कैन बी कन्वर्टेड इनटू हाई कार्बन स्टील बाय यूजिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। क्वेश्चन में पूछा गया है, यदि माइल्ड स्टील को हाई कार्बन स्टील के रूप में बदलना हो तो निम्न में से कौन सी प्रोसेस की जाएगी। ऑप्शन इसमें दिया गया है ए एनलिंग, ऑप्शन बी नॉर्मलाइजिंग, ऑप्शन सी केस हार्डनिंग, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। तो माइल्ड स्टील क्या होता है, माइल्ड स्टील में कार्बन परसेंटेज काफी मात्रा लो होती है, तो जब माइल्ड स्टील का हम लोग हाई कार्बन में कन्वर्ट करना होता है तो उसमें प्रोसेस की जाती है जिसे केस हार्डनिंग के नाम से जाना जाता है। केस हार्डनिंग में प्रोसेस में क्या होती है कि उसमें जब हम लोग 0.15% कार्बन की मात्रा होती है उसमें जब कार्बन परसेंटेज को 0.9% तक बढ़ाना होता है तो केस हार्डनिंग प्रोसेस की जाती है। तो सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन इसमें सी होगा, केस हार्डनिंग। बाकी इसमें एनलिंग प्रोसेस दिया गया है, नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस दिया गया है। एनलिंग प्रोसेस होती है जब मेटल को काफी ज्यादा नर्म बनाना होता है तो वहां पे एनलिंग प्रोसेस की जाती है। नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस में क्या होती है कि जब मेटल को पीटा जाता है या फोर्जिंग ऑपरेशन उस पर किए जाते हैं तो उसमें काफी ज्यादा स्ट्रेस आ जाता है, उस स्ट्रेस को हटाना होता है तो नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस की जाती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, एनलिंग ऑफ स्टील इज डन टू इम्पार्ट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑन स्टील। क्वेश्चन में पूछा गया है, स्टील में एनलिंग प्रोसेस किस प्रॉपर्टी के लिए की जाती है। ऑप्शन इसमें दिया गया है ए हार्डनेस, ऑप्शन सी डक्टिलिटी, ऑप्शन बी टफनेस, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द मेंटोन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन उसमें होगा सी होगा, डक्टिलिटी। एनलिंग ऑपरेशन क्या होता है कि जब मशीनिंग का कोई हार्ड मेटल है उसके पे मशीनिंग करनी है तो उसको नर्व बनाना पड़ता है, नर्व बनाने के लिए एनलिंग प्रोसेस की जाती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन इसमें होगा सी होगा, डक्टिलिटी, सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, द कॉमनली यूज्ड फ्लक्स इन ब्रेजिंग इज। क्वेश्चन में पूछा गया है, ब्रेजिंग कार में साधारण कार के लिए किस फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन इसमें दिया गया है, ऑप्शन ए बोरेक्स, ऑप्शन बी रेजिन, ऑप्शन सी लेड सल्फाइड, ऑप्शन डी जिंक क्लोराइड। तो ब्रेजिंग ऑपरेशन क्या होता है जो कि परमानेंट जॉइंट के अंतर्गत आता है, जो कि ब्रेजिंग होता है ऑपरेशन। ब्रेजिंग में क्या होता है कि किसी दो या दो से अधिक पार्ट्सों को अस्थायी रूप से परमानेंट रूप से उसे जोड़ा जाता है। उसमें जो फ्लक्स यूज करते हैं, फ्लक्स का प्रयोग ऑक्सीडाइजेशन से बचाने के लिए किया जाता है, उसमें बोरेक्स का प्रयोग मोस्टली किया जाता है जो ब्रेजिंग ऑपरेशन होता है। तो सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन इसमें होगा ए होगा, बोरेक्स। रेजिन का प्रयोग हम लोग वहां पे करते हैं जो कि खाना पकाने वाले बर्तन होते हैं वहां पे यूज किया जाता है, जो कि 80 डिग्री सेल्सियस से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसका होता है। जो कि जिंक क्लोराइड होता है, जिंक क्लोराइड का प्रयोग पीतल तांबा टिन की जो सीटें होती हैं वहां पर उसके फ्लक्स के रूप में यूज किया जाता है, जो कि उसमें जब ऑपरेशन किया जाता है सोल्डरिंग।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है द कंपोजिशन ऑफ सॉफ्ट शोल्डर इज, क्वेश्चन में पूछा गया है जो सॉफ्ट शोल्डर का एलाय क्या होता है। ऑप्शन इसमें दिया गया ए लेड 37% से, टिन 63%, ऑप्शन बी दिया गया है लेड 50%, टिन 50%, ऑप्शन सी दिया गया है लेड 63%, टिन 37%, ऑप्शन डी दिया गया है 70%, टिन 30%। तो सॉफ्ट शोल्डर क्या होता है जो कि उसका एलाय होता है, लेड होता है उसमें 37% और टिन जो होता है 63% होता है। सॉफ्ट शोल्डर का मोस्टली हम लोग पतली सीटों को जोड़ने के लिए प्रयोग करते हैं, वह जो छोटे छोटे पुर्जे होते हैं या तार वगैरह होती हैं वायर्स, उनको सोल्डरिंग करने में किया जाता है। इसमें लेड और टिन मोस्टली होते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन इसमें होगा ए होगा 37% लेड और टिन 63%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है इसमें व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेन पार्ट ऑफ रिबिट, क्वेश्चन में पूछा गया है इनमें से रिबिट का एक मुख्य भाग नहीं है। ऑप्शन इसमें दिया गया है ये हेड, ऑप्शन बी सैंग, ऑप्शन सी पॉइंट, ऑप्शन डी थ्रेड। तो सबसे पहले आइए हम लोग जानते हैं रिबिट क्या होता है। रिबिट एक प्रकार का धातु का टुकड़ा होता है जो कि गोल्ड होता है, उसका प्रयोग हम लोग रिबिटिंग ऑपरेशन में करते हैं जो कि सेमी परमानेंट के अंतर्गत आता है। उसमें मेनली मुख्य जो भाग होते हैं तीन होते हैं, उसमें एक हेड होता है, एक सैंक होता है, एक पॉइंट होता है जिसे टेल के नाम से भी जाना जाता है। उसमें जो पार्ट्स होता है थ्रेड वो नहीं होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन इसमें होगा डी होगा थ्रेड, थ्रेड ऑप्शन इसमें नहीं होता जो कि भाग नहीं होता है, तो इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा डी होगा। तो हम लोगों ने आज के इस पार्ट वीडियो में 25 क्वेश्चन को कवर किया। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना तथा साथ साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करना। यदि आप लोग टेक्निकल लाइन से रिलेटेड कोई भी डिस्कशन करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक तथा इंस्टाग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।